नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 8 है ये। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कराई थी, जैसे कि डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है, टफनेस, रेजिलियंस। ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और इस लेक्चर में कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी हमारी, जैसे कि हार्डनेस है और उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, फटीग स्ट्रेंथ है और क्रीप है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं हम डिटेल में इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहली टर्म जो इस लेक्चर में हमें पढ़नी है वो क्या है, हार्डनेस है, ठीक है। तो हार्डनेस अगर डिफाइन करें हम तो दो तरीके से हार्डनेस डिफाइन हो सकती है। हार्डनेस इज द मेजर ऑफ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि कोई स्पेसिमेन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेसिमेन जो है, ये हमने पूरा स्पेसिमेन क्रिएट किया है। इसमें अगर हमें क्या करना है, स्मॉल इंडेंटेशंस क्रिएट करनी है। ये क्या है, स्मॉल डेंट है या स्मॉल इंडेंटेशंस हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल इंडेंटेशंस जो हैं, ये स्मॉल डेंट्स जो हैं या स्क्रैचेस जो हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं हम मटेरियल में, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, सॉफ्ट मटेरियल कहलाएगा। अगर उसको हम इजीली क्रिएट नहीं कर सकते तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, हार्ड मटेरियल, ठीक है। लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे पूरे स्पेसिमेन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, जहां आप ये डेंट क्रिएट कर रहे हो सिर्फ उधर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब होता है लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू इंडेंटेशन, यानी कि ये जो स्मॉल इंडेंटेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसको जितना रेजिस्ट करेगा मटेरियल उतना ही वो क्या कहलाएगा, हार्ड कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो हार्डनेस है वो मेजर किस तरीके से की जाती थी। तो इनिशियली क्या हुआ था, एक मोहोज करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक स्केल बनाया था, ठीक है। उसमें क्या था, कुछ मिनरल्स थे आपके, जो सबसे सॉफ्ट था उसको उन्होंने 1 नंबर दे दिया था, फिर उससे हार्ड को 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ही सबसे हार्ड को जो दे दिया था उन्होंने 10 नंबर दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा वो मोज स्केल ऑफ हार्डनेस, कि जो सबसे सॉफ्ट मिनरल है उसको उन्होंने क्या दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, और इंक्रीजिंग हार्डनेस में यहाँ पे लगे हुए हैं। डायमंड जो है वो सबसे हार्ड है तो उसको 10 नंबर दे रखा है। पर इसमें दिक्कत क्या आने लगी कि भाई जैसे जैसे आपके मटेरियल्स बढ़ने लगे तो ये स्केल जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है, हार्डनेस मेजर करने के लिए, ठीक। तो उसके लिए फिर हमने क्या करे, कुछ हार्डनेस मेथड्स बनाए, हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए जो कि हमें इस लेक्चर में देखने हैं, एक एक करके हम उन्हें देखेंगे। अब हार्डनेस टेस्टिंग के लिए जो बेसिक्स होता है वो इस पोर्शन में मैंने आपको मेंशन कर रखा है। बेसिक जो है वो यही रहेगा, थोड़ी बहुत डिटेलिंग में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, वो हम एक एक करके देखेंगे। पर बेसिक समझ लो आप कि किस तरीके से टेस्ट जो है, हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, एक इंडेंटर होता है, ठीक है। इंडेंटर लेते हैं, यहां पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ना, इसमें वो इंडेंटर लगा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस स्पेसिमेन क्रिएट करोगे, ठीक है। स्पेसिमेन आपने क्रिएट किया पूरा, उसको टेस्टिंग मशीन पे रखा, यहाँ पे इंडेंटर है, ठीक। इसको आप क्या करोगे, मूव कराओगे ऊपर, ये जो स्पेसिमेन है इसको ऊपर मूव कराओगे, या कुछ मशीन्स में जो है ये इंडेंटर नीचे मूव करता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द मशीन है, ठीक है। और आप क्या करोगे, फिर इस ये इंडेंटर जो है वो क्या करेगा, लोड एग्जर्ट करेगा, जहां पे भी स्पेसिमेन के कांटेक्ट में आएगा वहां पे क्या करेगा, लोड एग्जर्ट करेगा, और वो जो लोड से इंडेंटेशन क्रिएट होगी,
आपको उसकी डेप्थ मेजर करनी है, ठीक है, उसके फीचर्स को मेजर करना है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर किसी पर्टिकुलर लोड पे, मान लो आप 100 kg लोड लगा रहे हो, उस पे किसी मटेरियल पे इंडेंटेशन जो है, वो जो ये छोटा सा गड्ढा टाइप क्रिएट हुआ है वो डीप है, बड़ा गड्ढा क्रिएट हुआ है तो वो सॉफ्ट मटेरियल होगा। अगर उसी लोड पे मान लो जो इंडेंटेशन है वो काफ़ी छोटी क्रिएट हुई है, डेप्थ उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो मटेरियल क्या होगा? हार्ड मटेरियल होगा। यही तो रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन हुआ ना आपका मटेरियल का। तो इस तरीके से ये बेसिक तरीका हम अपनाते हैं हार्डनेस मेजर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्थ और साइज ऑफ द रिजल्टिंग इंडेंटेशन इज मेजर्ड, विच इन टर्न इज रिलेटेड टू द हार्डनेस नंबर, यानी कि जितना इंडेंटेशन क्रिएट हुई है किसी पर्टिकुलर लोड पे उसके हिसाब से हम एक हार्डनेस नंबर उस मटेरियल को देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिक तरीका यही रहेगा, बस इसमें थोड़ी डिटेलिंग में फर्क आ जाती है। तो सबसे पहला जो हार्डनेस टेस्ट पे चलते हैं, कौन सा आता है आपका? रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, अब भाई इसमें भी इंडेंटर होगा आपका, पर इसमें जो इंडेंटर होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और एक स्टील बॉल है वो, बेसिकली हार्डेंड स्टील बॉल है वो। ठीक है, इंडेंटर जो है स्फेरिकल शेप का है और वो किस मटेरियल का बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है, जिसको हमने हार्डन कर रखा है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, उसके अलग अलग डायामीटर होते हैं, वो जो स्फेरिकल बॉल है उसके डायामीटर जो है वो अलग अलग होते हैं, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 inch के होते हैं, और ये mm में उनका कन्वर्जन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और एक इंडेंटर जो होता है वो कोनिकल शेप का होता है, जो कि डायमंड का बना हुआ होता है। तो ये इंडेंटर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बेसिकली टेस्ट कैसे करते हैं ये समझो। आपने कोई इंडेंटर चूज कर लिया, ठीक है, कोई भी साइज का इंडेंटर आपने चूज किया, फिर आप क्या करते हो, एक इनिशियल माइनर लोड लगाते हो, एक इनिशियली छोटा लोड लगाते हो, जिससे कि जितनी इंडेंटेशन क्रिएट होनी होगी उतनी हो जाएगी, और फिर उस लोड को बढ़ा के बड़ा लोड लगाते हो, थोड़ा हैवी लोड लगाते हो, जिससे कि उस इंडेंटेशन जो पहले क्रिएट हुई थी उसकी डेप्थ क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने बड़ा लोड लगा दिया, ज़्यादा लोड लगा दिया, तो पहले जितना पेनिट्रेट हुआ था उससे ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा। तो एक तो पहले आपको डेप्थ मिली थी, फिर बाद में डेप्थ मिली, उसके हिसाब से आप हार्डनेस नंबर क्या करते हो, देते हो। ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है, इसमें यहाँ पे ये इंडेंटर लगा हुआ होता है। स्पेसिमेन को इस प्लेटफॉर्म पे प्लेस करते हैं, इस हैंड व्हील की मदद से स्पेसिमेन को ऊपर ले जाते हैं हम, और इंडेंटर से क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लोड शिफ्ट करके हम हैवी लोड लगाते हैं अपना, और यहाँ पे जो डायल इंडिकेटर है वो कोई आपकी रीडिंग देता है, वही क्या होता है, उसका हार्डनेस नंबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, मतलब मान लो आपको किसी मटेरियल की रॉकवेल हार्डनेस दे रखी है, तो आपको समझना है कि किस चीज का क्या मतलब होता है उसमें। ठीक है, अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द माइनर लोड, कितना आप माइनर लोड लगा रहे हो और मेजर लोड लगा रहे हो, उसके बेसिस पे दो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होते हैं। एक तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हो गया सिंपल वाला, और एक सुपरफिशियल रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हो गया। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है ये ध्यान से समझ लेना। देखो, जो रॉकवेल हार्डनेस है, यानी कि सिंपल वाला जो रॉकवेल हार्डनेस है, उसमें माइनर लोड जो होता है वो 10 kg होता है, और जो मेजर लोड है वो 60, 100 और 150 kg ये रहेगा। ठीक है, माइनर लोड जो है 10 kg, और जो मेजर लोड है वो 60, 100 या 150, इन तीन में से कोई एक रहेगा। ठीक है, यहां पे देखो, डिपेंडिंग अपॉन द इंडेंटर आपने कौन सा चूज किया, ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का स्केल है, किस साइज का इंडेंटर आपने, कौन सा इंडेंटर चूज किया है, और कौन सा मेजर लोड आपने यहां पे चूज किया है, उसके बेसिस पे ये स्केल बनाया गया है, ABCDEFGHK। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि यहां पे दे रखा है 80 HRB, ठीक है, यानी कि 80
आपको किसी मटेरियल की हार्डनेस दे रखी है ATHRB। इसका क्या मतलब है कि इसके HR मतलब हो गया रॉकवेल हार्डनेस, ठीक है। रॉकवेल हार्डनेस का जो नंबर आपको मिला है वो कितना मिला है, 80 मिला है। और बी क्या बता रहा है भाई, देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे इतने टाइप ऑफ इंडेंटर्स, अलग अलग साइज ऑफ इंडेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अलग अलग लोड्स अवेलेबल हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा इंडेंटर चूज किया था टेस्ट करते टाइम और उस पर कितना लोड लगाया। तो उसके लिए यहाँ पे ये बी दे रखा है। बी सीधा आप टेबल में आए, देखा कि बी का क्या मतलब है, अच्छा 1/16 इंच की हमने बॉल यूज करी है और जो मेजर लोड लगाया है वो 100 kg है और माइनर लोड तो इसमें क्या है, फिक्स्ड है, 10 kg माइनर लोड है। तो एकदम क्लियर हो गया आपको कि अच्छा आपने इन इन कंडीशंस में ये टेस्ट को परफॉर्म किया है, ठीक। दूसरा आता है आपका सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट, सॉरी सुपरफिशियल रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। इसमें जो माइनर लोड होता है वो 3 kg होता है और जो मेजर लोड होता है 15, 30 और 45 kg रहता है, ठीक है। यहां देख सकते हो रॉकवेल हार्डनेस से कम है सुपरफिशियल रॉकवेलनेस हार्डनेस में टेस्ट जो मेजर लोड है आपका, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अब अगर सुपरफिशियल रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट किया है आपने तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से आपको दे रखी होगी, 60 HR 30 W। इसका क्या मतलब है भाई, एचआर से तो पता चल गया कि ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है और उस रॉकवेल हार्डनेस की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। अब आगे की इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चला, जब आपके ये जो अल्फाबेट हैं वो क्या हो, एन हो, डब्ल्यू हो, टी हो या फिर एक्स हो या वाई हो, तो आपको समझ जाना है कि कौन से स्केल पे आपको देखना है, सुपरफिशियल रॉकवेल हार्डनेस स्केल पे देखना है। और यहाँ पे 30 का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 W का क्या मतलब है कि भाई 1/8 इंच की हमने बॉल यूज करी है यहाँ पे और जो मेजर लोड लगाया है वो कितना है, 30 लगाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या है, सुपरफिशियल रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या है और माइनर लोड क्या होता है, मेजर लोड क्या होता है, कैसे इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट आता है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट की जो मशीन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, रॉकवेल हार्डनेस की तरह ही है, पर इसमें एक फर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप आपको दिया हुआ होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या होता है, आपको दिया हुआ होता है देखने के लिए, ठीक। उसका यूज क्या है अभी मैं बताता हूं आपको। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की तरह ही जो इंडेंटर होता है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। और वो या तो स्टील का बना हुआ होगा या टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होगा, ठीक है। और उसका डायामीटर भी फिक्स होता है, एक ही डायामीटर का इंडेंटर यूज करते हैं जिसका डायामीटर कितना है, 10 mm है। तो इसमें कोई ये बताने का झंझट ही खत्म हो गया कि 1/16 का डायामीटर है या 1/8 का है, 1/4 का है, कुछ चक्कर नहीं है, एक ही इंडेंटर यूज करेंगे जिसका डायामीटर कितना होगा, 10 mm होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा इसमें कोई माइनर लोड का भी चक्कर नहीं होता, सीधा आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर लोड चूज कर लेते हो और उसी को अप्लाई करते हो। पर वो जो लोड आप चूज कर रहे हो ना वो किसके बीच में होगा, 500 to 3000 kg के बीच में होगा। पर ऐसे नहीं है कि कोई भी रेंडमली चूज कर लिया, 500 के इंक्रीमेंट पे होगा, मतलब या तो आप 500 kg का लोड लगाओ या 1000 का या 1500 का, 2000 का, 2500 का और 3000 का, इनमें से आप कोई सा भी लोड इस पे लगा सकते हो। और जो एक बार लोड आपने चूज कर लिया टेस्ट करने के लिए, फिर वही लोड लगाओगे आप उस पर्टिकुलर टेस्ट को जब कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चूज कर लो आप, एक पर्टिकुलर लोड ही आप लगा रहे हो और वो 10 से 30 सेकंड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अब क्या है यहां पे कि आगे चलते हैं, ये आपका यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है हार्डनेस नंबर निकालने के लिए। जैसे कि ATHB आपको दे रखा है, इसका क्या मतलब है, 80 आपका क्या है, हार्डनेस आई है मटेरियल की, और HB का मतलब क्या है कि ये जो हार्डनेस आई है ये किस टेस्ट से आपने मेजर करी है, ब्रिनेल हार्डनेस
टेस्ट से आपने इसको मेजर किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अब समझो कि ये टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें 10 mm का स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड का इंडेंटर होगा, ठीक है। आपने स्पेसिमेन को क्या किया, यहां पे प्लेस किया, इसको ऊपर ले गए और लोड अप्लाई करवाया आपने इंडेंटर से, तो उसमें क्या होगा, इंडेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। मान लो ये आपका स्पेसिमेन है, ठीक है, और उसमें ये इंडेंटेशन जो है वो क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना है, ये जो इंडेंटेशन क्रिएट हुई है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब स्फेरिकल इंडेंटर था तो जो इंडेंटेशन क्रिएट हुई होगी वो भी स्फेरिकल होगी, तो उसका डायामीटर आपको क्या करना होता है, मेजर करना होता है। अब ये इंडेंटेशन जो है इतनी स्मॉल होती है कि जो डायामीटर मेजर करना है वो कैसे मेजर होगा, माइक्रोस्कोप से मेजर होगा। होता क्या है कि आप क्या करते हो, जैसे ये आपकी इंडेंटेशन क्रिएट हुई है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट पे आप इसको फोकस कराते हो, ठीक है। जो आईपीस होता है आपका, वहाँ पे इस तरीके की मार्किंग लगी होती है, तो ये पॉइंट जो है आप पहले इस पॉइंट पे फोकस कराते हो, फिर माइक्रोस्कोप को मूव करा के आप दूसरे पॉइंट पे इसको फोकस कराते हो। अब माइक्रोस्कोप को जितना मूव किया वो रीडिंग आपको मिल जाएगी, उसी से आपको पता चलेगा कि इसका डायामीटर जो है वो कितना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब फॉर्मूला समझ लेते हैं, यहाँ पे P क्या है, वो लोड है जो आपने अप्लाई किया, भाई 500, 1000, 1500, 2500, 3000, जो भी लोड आपने अप्लाई किया, ठीक है। कैपिटल डी क्या है, जो इंडेंटर आपने यूज किया उसका डायामीटर, यानी कि 10 mm का डायामीटर है यहाँ पे। और ये जो स्मॉल डी यूज किया है वो क्या है, जो इंडेंटेशन आपकी क्रिएट हुई है उसका डायामीटर। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका एक नंबर निकल के आएगा जो कि उस मटेरियल का ब्रिनल हार्डनेस नंबर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, दो और तरीके होते हैं हार्डनेस मेजर करने के, नूप हार्डनेस टेस्ट होता है और विकर्स हार्डनेस टेस्ट होता है। ये क्या होते हैं, माइक्रो इंडेंटेशन टेस्ट होते हैं या माइक्रो हार्डनेस मेजर करने के लिए होते हैं, ठीक है। माइक्रो हार्डनेस का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई थिन स्पेसिमेन है, ठीक है, थिन स्पेसिमेन है, उसका हार्डनेस मेजर करनी है, या फिर लोकलाइज्ड हार्डनेस मेजर करनी है। लोकलाइज्ड हार्डनेस मतलब क्या है, ये पूरा स्पेसिमेन है, इसकी किसी पर्टिकुलर जगह पे हार्डनेस आपको मेजर करनी है, या कोई सॉफ्ट मटेरियल्स हैं उनकी हार्डनेस आपको मेजर करनी है, तो उसके लिए भाई फिर इतना ज़्यादा लोड जो आप लगा रहे हो उससे तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये माइक्रो हार्डनेस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, नूप हार्डनेस या विकर्स हार्डनेस टेस्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, रॉकवेल और ब्रिनल हार्डनेस से बहुत ही कम लोड अप्लाई करते हैं हम, ठीक। अब इसमें क्या होता है, दोनों ही केसेस में क्या है, एक डायमंड इंडेंटर यूज करते हैं हम, ठीक है, जिसकी शेप क्या होती है, पिरामिड शेप का होता है। ये विकर्स वाले में देखो इस तरीके का डायमंड इंडेंटर यूज करते हैं, ये एंगल 136 डिग्री है उसका, ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है। और जो नूप हार्डनेस है उसमें भी डायमंड इंडेंटर यूज करते हैं जिसकी शेप पिरामिड होती है, पर ये क्या होता है, थोड़ा एलोंगेटेड होता है, आप देख सकते हो ये इंडेंटेशन क्रिएट हुई है, तो इसमें तो इस तरीके की इंडेंटेशन क्रिएट हो रही है, इसमें थोड़ी फैली हुई लंबी इंडेंटेशन क्रिएट हो रही है, ये फर्क होता है उसमें, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, पहले आप स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हो, ठीक है, अगर एच के दे रखा है तो आपको समझ जाना है ये नूप हार्डनेस है, और एच वी दे रखा है तो ये समझ जाना है कि ये विकर्स हार्डनेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप फिर इंडेंटेशन क्रिएट करते हो और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ही मेजर करना पड़ता है आपको, ठीक है। जैसे यहां पे देखो कि हार्डनेस ऑफ स्मॉल या फिर सेलेक्टेड स्पेसिमेन रीजन्स में आपको करना है, छोटे या थिन अगर आपको स्पेसिमेंस हैं उनका हार्डनेस मेजर करनी है, या किसी स्पेसिफिक रीजन में हार्डनेस मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो, इन टेस्ट का परफॉर्म यूज करते हो। अब वैल्यूज कैसे निकालते हो, भाई देखो आपने मान लो विकर्स हार्डनेस से इंडेंटेशन क्रिएट करी, ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, वही टेक्निक अपनाओगे आप माइक्रोस्कोप वाली,
और इसकी ये जो डायगनल आए हैं ना वो मेजर करने हैं आपको। ये जो डायगनल्स हैं इसके, पहले तो ये वाला डायगनल मेजर कर लो, फिर दूसरे वाला डायगनल जो है वो मेजर कर लो आप। ये वाला दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर आएगी, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो लोड जो है वो 1 kg से 120 kg ही है, इससे ज़्यादा लोड नहीं है यहाँ पे। अब आप क्या करते हो, फॉर्मूले में पुट करते हो, एच वी मतलब क्या हो गया, विकर्स हार्डनेस 1.854 इंटू पी यानी कि जो भी लोड लगाया है, अपॉन में एल स्क्वायर मतलब जो भी आपका ये जो डायगनल आई थी उसकी लेंथ, ठीक है, आपको वहां पे पुट करनी है। नूप हार्डनेस टेस्ट में क्या हो रहा है कि भाई आप लोड जो लगा रहे हो और कम है, 25 ग्राम से लेके 5 kg तक ही इसमें लोड है, आपकी जो इंडेंटेशन होती है वो इस तरीके की इंडेंटेशन होती है। आप इसमें ये जो एल है यानी कि लॉन्गर एक्सिस जो है उसको मेजर करते हो एल को, और ये बी को मेजर करते हो, ठीक। और फॉर्मूले में आप पुट करते हो 14.2, पी क्या हो गया आपका, लोड हो गया, और एल स्क्वायर जो है वो ये मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। उससे जो नंबर निकल के आता है वो उसका नूप हार्डनेस नंबर होता है। तो आई होप आपको हार्डनेस डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि हार्डनेस होती क्या है, उसको किस तरीके से, कौन से अलग अलग तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये थोड़ा सा कोरिलेशन है हार्डनेस और स्ट्रेंथ के बीच में, पर ये क्या है, हर किसी केस के लिए वैलिड नहीं है। ये स्टील्स के लिए वैलिड है, प्लेन कार्बन स्टील के लिए। और ये क्या होता है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है। इम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, ऐसे फॉर्मूला जो कि हमने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिराइव किए हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, ऐसे एज सच कोई इंपेरिकल फॉर्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है आपके पास, पर एक्सपीरियंस से आपको ये पता चला है कि ऐसा होता है। तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए जो ब्रेनल हार्डनेस नंबर है उसको जब आप 3.55 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है, ठीक है। जब लोड जो BHN है वो ब्रिनल हार्डनेस नंबर है वो 175 से कम है, अगर 175 से ज़्यादा है तो 3.38 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी मटेरियल प्रॉपर्टी आती है वो आती है फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। फटीग स्ट्रेंथ या फिर इसको दूसरा नाम होता है इसका एंड्योरेंस लिमिट, अभी समझेंगे क्या है बेसिकली। उसके पहले आपको क्या हो समझना है, फटीग लोड होते क्या हैं, ठीक है भाई। आपने पता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जब कोई पर्टिकुलर लोड बॉडी के ऊपर आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में वो कैसे बिहेव कर रही है, वही सारी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब अगर बॉडी पे फटीग लोड आ रहा है तो उस टाइम पे जो हम को प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है वो कौन सी होती है, उसकी फटीग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अभी तक देखो हो क्या रहा था, आपने जैसे टेंसाइल लोड अप्लाई किया किसी बॉडी पे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा था, जो लोड आपने अप्लाई कर दिया वो वही रह रहा था, ठीक है। पर अब फटीग लोड ऐसे लोड होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोड्स को क्या बोलते हैं हम, फटीग लोड बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो ये एक रोटेटिंग एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा एक शाफ्ट है जो कि रोटेट कर सकती है, ऊपर से इस पे अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, नीचे ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये बेंड होती है तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो नीचे वाले पोर्शन हैं ये तो किस में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, ये खिंच रहे हैं, और ऊपर वाले जो पोर्शन हैं वो किस में आ रहा है, कंप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। आई होप आप ये चीज इमेजिन कर पाओगे। अब अगर क्या होती है, ये रोटेट हो जाती है, ठीक है, एक मतलब 180 डिग्री आपने इसको क्या कर दिया, मान लो रोटेट कर दिया, तो होगा क्या, जो नीचे था सबसे नीचे वो कहाँ आ जाएगा, अब सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो सबसे ऊपर पोर्शन था वो कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे। अब इससे फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि भाई नीचे वाला जो पहले टेंशन में था आपका, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन जो टेंशन में था जैसे ही ऊपर आएगा वो इस तरीके से झुक जाएगा, और अब वो जो पहले टेंशन में था वो किस में आ गया, अब कंप्रेशन में आ गया,
और ऊपर वाला जो कंप्रेशन में था वो जैसे ही नीचे आया, अब वो किस में आ गया, टेंशन में आ गया। तो यहाँ पे देखो वो फिर घूमेगा तो फिर से यही साइकिल रिपीट होगी कि वो फिर से टेंशन में आ जाएगा। भाई नीचे वाला पोर्शन पकड़ के चलो, पहले ये टेंशन में था, जैसे ही ऊपर गया कंप्रेशन में आ गया, फिर रोटेट होके नीचे आया, फिर टेंशन में आ गया, फिर ऊपर गया, फिर कंप्रेशन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार टेंशन उस पर, एक बार कंप्रेशन, एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन। तो यहाँ पे लोड जो है वो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो इस तरीके के लोड्स को क्या बोलते हैं हम, फटीग लोड बोलते हैं, ठीक है। और फटीग लोड जो है वो क्या होते हैं, काफी डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक लोड आ रहा है, मान लो स्टैटिक लोड आ रहा है, तो हो सकता है वो काफी ज्यादा लोड बियर कर पाए, काफी ज्यादा लोड को सह पाए। पर अगर उस पर फैटीग लोड आ गया तो बहुत ही कम लोड या फोर्स में ही वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसका एग्जांपल आप बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मान लो ये एक पतली रॉड आपको दे रखी है मेटल की, काफी पतली रॉड है मेटल की। अब मैं अगर आपको कहता हूं कि इसको तोड़ना है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, क्या कोई इसको सिर्फ खींच के, अगर मान लो मैं बोलूं कि इसको सिर्फ खींचना है और खींच के इसको तोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ पाएगा। पर तुरंत आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर मैं एक बार इसको इस तरफ बेंड कर दूं और दूसरी बार इसको पीछे की तरफ बेंड कर दूं, पहले आगे की तरफ मोड़ा, फिर पीछे की तरफ मोड़ा, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, ऐसे 3-4 बार मैं इसको मोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में टूट जाएगा। यानी कि जिस रॉड को, जिस मेटल को आप खींच के तोड़ ही नहीं सकते थे, उसको बहुत आसानी से आपने एक बार इधर मोड़ के, एक बार उधर मोड़ के अपने हाथों से ही तोड़ दिया। तो ये आपको समझना होगा, फटीग जो लोड होते हैं वो काफी डेंजरस हैं। मतलब जो मटेरियल आपका स्टैटिक लोड में टूट ही नहीं रहा था, वो जरा से फटीग लोड में तुरंत टूट गया। तो आपको अगर किसी स्पेसिमेन में, किसी कंपोनेंट में, किसी मशीन के पार्ट में इस तरीके के लोड आ रहे हैं, तो उनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहीं यहाँ पे इस स्पेसिमेन में, इस पार्ट में फटीग लोड तो नहीं आ रहा। क्योंकि अगर फटीग लोड आ गया और उसका मैंने ध्यान नहीं करा, तो बहुत ही थोड़ा से लोड में ही हमारा जो स्पेसिमेन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फटीग स्ट्रेंथ मेजर करनी पड़ती है मटेरियल की, और उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, फटीग टेस्ट करते हैं, ठीक है। फटीग टेस्ट में क्या करते हैं हम, पहले एक स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड चूज करते हैं। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड चूज करने का क्या मतलब है, कोई हमने एक मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू चूज कर ली, अब वही स्ट्रेस हम उस कंपोनेंट पे टेंशन में लगाएंगे और वही स्ट्रेस हम उसमें कंप्रेशन में लगाएंगे, ठीक है। मान लो आपने 100 न्यूटन स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड चूज कर लिया, या 100 मेगा पास्कल, भाई स्ट्रेस तो मेगा पास्कल में होगा ना, 100 मेगा पास्कल आपने क्या कर लिया, चूज कर लिया, तो अब यही आपका टेंशन में भी लग रहा है, यही लोड आपका कंप्रेशन में लग रहा है, वो होता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का मतलब, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स, भाई देखो एक बार टेंशन में लगा, एक बार कंप्रेशन में लगा, ये एक साइकिल हो गई, फिर टेंशन, फिर कंप्रेशन, दूसरी साइकिल, फिर टेंशन, फिर कंप्रेशन, तीसरी साइकिल, ऐसी कितनी साइकिल्स जो हमारा स्पेसिमेन है वो झेल सकता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं और इससे एक कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपकी फटीग टेस्टिंग मशीन होती है, इसमें जो स्पेसिमेन है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे मोटर वगैरह लगी होती है आपकी, जो कि क्या करती है, इस स्पेसिमेन को रोटेट करती है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये लोड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको लोड लगाना है वो आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया, और इस कैम से, यहाँ पे कैम लगी हुई होती है जिससे हम इस पोर्शन को ऊपर और नीचे करते हैं। अब आप खुद समझो, जब ये पोर्शन ऊपर होगा, ठीक है, ये जैसे ही आप ऊपर हुआ तो बेंड, ये जो स्पेसिमेन है वो ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा,
और जब ये नीचे होगा तो स्पेसिमेन जो है वो ऐसे बेंड हो जाएगा, यहाँ पे वो रोटेट करता रहता है और इस तरीके से इसमें टेंशन और कंप्रेशन आती रहती हैं और यहाँ पे वो नंबर ऑफ साइकिल्स आती हैं जो कि वो बियर कर पा रहा है। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बनता है। आई होप आपको टेस्ट कैसे होता है वो समझ में आएगा, आ गया होगा। ठीक है, फिर होता क्या है कि स्पेसिमेन में क्रैक्स आ जाते हैं, फिर वो क्रैक्स जो हैं बढ़ने लगते हैं और स्पेसिमेन टूट जाता है, तब हमें रुकना होता है। वो नंबर ऑफ साइकिल्स हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी साइकिल इसने बियर कर पाया। ठीक, तो जो कर्व मिलता है आपको वो ऐसा मिलता है कुछ, इसका मतलब समझो। जैसे इस एक्सिस पे तो कोई क्या हो गया, स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड हो गया, और इस एक्सिस पे क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल्स जो कि उसने बियर किया है। ठीक है, अब देखो जैसे स्टील के लिए अगर मैं करता हूं तो कर्व जो मिलता है मुझे ऐसा कुछ कर्व मिलता है। मान लो मैं यहां पे 500 मेगा पास्कल जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वो चूज करता हूं। ठीक है, तो 500 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इस कर्व पे चलूं तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, यहां पे देखो इतनी नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं, मान लो यहां पे 10 की पावर 4 नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो, यानी कि 10,000 साइकिल्स जो हैं वो हमारा स्पेसिमेन यानी कि स्टील बियर कर पाएगा, इतने अगर आप लोड लगा रहे हो टेंशन कंप्रेशन में। फिर लोड अगर आपने और कम किया, स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड आपने कम किया, तो आप देख सकते हो वो 10 की पावर 5 यानी कि 100,000 साइकिल्स जो हैं वो बियर कर पाएगा। ठीक है, पर एक लोड ऐसा आएगा जिसमें आप देख सकते हो जैसे ही उसके नीचे कोई भी आपने स्ट्रेस लगाया वो क्या कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स बियर कर सकता है। यानी कि ये वो स्ट्रेस की वैल्यू है जिसके नीचे, ये वो स्ट्रेस की वैल्यू है जिसके नीचे कोई भी आप लोड लगा दो, चाहे वो टेंशन कंप्रेशन में चेंज भी होता रहे, तब भी हमारा स्पेसिमेन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स बियर कर सकता है। तो ये जो स्ट्रेंथ आई इसको बोलते हैं फटीग स्ट्रेंथ या फिर उसकी एंड्यूरेंस लिमिट बोला जाता है उसको, कि भाई इतना अगर फटीग लोड हमारी बॉडी पे आ रहा है उसके बाद भी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स क्या कर पाएगी, बियर कर पाएगी। ठीक है, अगर किसी स्पेसिमेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं होती है तो 10 की पावर 7 साइकिल्स को ही हम क्या मान लेते हैं, अच्छी खासी उसकी लाइफ मान लेते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं उसका स्ट्रेंथ लेते हैं, तो वो क्या आ जाती है आपकी, एंड्योरेंस लिमिट आ जाती है। ठीक है, वो क्या आ गई आपकी, एंड्योरेंस लिमिट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी फटीग क्या होता है। लास्ट जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो क्या है, क्रीप है। क्रीप बेसिकली क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है बॉडी का या स्पेसिमेन का अंडर स्टैटिक लोड। मतलब अभी तो फटीग लोड में हमने क्या कराया था, लोड को चेंज कराया था, पर अब एक पर्टिकुलर ही लोड हमारा लग रहा है। ठीक है, पर वो अब लंबे समय के लिए लग रहा है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है अंडर स्टैटिक लोड, कॉन्स्टेंट लोड लग रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है, पर वो लंबे समय तक के लिए लग रहा है। इसको समझने के लिए यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। देखो ये क्या कर रखा है, एल्यूमिनियम की स्प्रिंग है और ये आपकी सोल्डर जो अलॉय होता है उसकी स्प्रिंग है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको लटका दिया, और जब आपने लटकाया टी इज इक्वल टू जीरो पे, तब टाइम स्टार्ट कर दिया कि भाई जो डिफॉर्मेशन है दोनों की वो कितनी है, इतनी है टी इज इक्वल टू जीरो पे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा आप देखोगे कि ये जो, और कोई लोड इन पे नहीं लगा रखा, बस सिर्फ इनको टांग के हमने छोड़ दिया। ठीक, अब आप ये जो शोल्डर वाली स्प्रिंग है इसमें देखोगे एक मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, 5 मिनट के बाद देखोगे ऑटोमेटिकली इतना नीचे आ जाएगी, जबकि इसमें 1 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखो लोड आपने कांस्टेंट रहने दिया, मतलब पहले तो कोई लोड आपने लगाया नहीं था, यहां पे सिर्फ जो उसका वेट है वही एक्ट कर रहा था एज अ लोड। उसमें टाइम के साथ क्या हुआ कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस आने लगे, पहले नहीं थे
स्टार्टिंग में नहीं थे, बाद में टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया अपने आप इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस आने लगे, पर इस वाले मटेरियल में नहीं आए, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा क्रीप रेजिस्टेंट है, इसमें क्रीप का उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला, इसमें क्रीप का इफेक्ट देखने को मिला। तो जब भी परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी में आते हैं किसी स्टैटिक लोड पे, जब लंबे समय के लिए वो लोड लग रहा है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, क्रीप बोला जाता है। ठीक है, ये मेटल्स के अंदर भी होता है, नॉन मेटल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, किसी में ये आपको रूम टेम्परेचर पे ही देखने को मिलेगा, जैसे कि ये सोल्डर अलॉय जो है, या लेड में आपको ये रूम टेम्परेचर पे ही देखने को मिलेगा, पर एल्यूमिनियम में क्या है, आपको रूम टेम्परेचर पे देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तब आपको क्रीप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के लिए 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर पहुंचेगा तब क्रीप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। ये क्रीप टेस्टिंग मशीन होती है आपका, ये वायर आपने लगाई है, उस पे लोड लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना डिफॉर्मेशन होगा वो इस एक्सटेंसोमीटर से आप मेजर कर सकते हो, और अगर आपको हीट कराना है तो यहाँ पे हीटिंग चेम्बर भी दे रखा होता है। ठीक है, अब क्रीप टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक वायर होती है, उस पे लोड लगा देते हैं आप। ठीक है, ये लोड क्या कर दिया आपने, लगा दिया। ठीक, जैसे ही लोड लगाया आपको यहां पे एक कर्व मिलता है, एक एक्सिस पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, दूसरी एक्सिस पे क्या होता है आपका, टाइम होता है। ठीक, यहां पे कर्व जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे ही आपने लोड लगाया भाई, जब लोड आप लगा दोगे तभी टाइम स्टार्ट करोगे। ठीक है, पर जैसे ही लोड लगाया बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जो है वो पहले ही आ जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेन पहले ही आ जाता है, उसको इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई लोड लगाओगे उसके रिस्पॉन्स में डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब उस पे लोड आपने बढ़ाया नहीं, कॉन्स्टेंट लोड रखा। ठीक है, कुछ लोड नहीं बढ़ाया, अब क्या कर रहे हो, टाइम का इफेक्ट आप मेजर कर रहे हो। तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्रीप कर्व जो है वो मिलता है। इसमें तीन रीजंस होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, एक तो प्राइमरी रीजन हो गया, एक सेकेंडरी रीजन हो गया, और फिर आपका टर्शरी रीजन हो गया। प्राइमरी जो रीजन होता है उसमें स्ट्रेन जो मिल रहा है आपको एक रेट पे मिल रहा है, एक इंक्रीज्ड रेट पे मिल रहा है। फिर जो स्ट्रेन मिलता है वो थोड़ा कांस्टेंट आपको मिलता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेन रेट जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। फिर आपका स्ट्रेन रेट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर फर्दर आपको फ्रैक्चर मिलता है। ठीक है, तो मेन हमारा रीजन जो होता है वो ये वाला रीजन होता है, जिससे हम क्रीप स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रीप क्या होता है। किसी कांस्टेंट लोड पे जब वो लोड लंबे समय तक के लिए लग रहा है, तो धीरे धीरे बॉडी में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है। बिना लोड बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं, हम क्रीप बोलते हैं। ठीक है, अब क्रीप जो होता है उसमें टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको क्रीप का इफेक्ट उतना देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मान लो आपने एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे क्रीप का इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो आपको इसके डिजाइनिंग में क्रीप को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। पर जहां पे टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे आपको क्या है, क्रीप का इफेक्ट जो है वो मेजर करना पड़ेगा। देखो, एक थंब रूल हमने बना रखा है मेटल्स के लिए, कि अगर जो मेटल का टेम्परेचर है वो लेस देन है 0.4 टाइम्स ऑफ उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि मान लो ये एल्यूमिनियम का कोई कंपोनेंट लगा है किसी मशीन में, तो उस कंपोनेंट का अगर टेम्परेचर जो है वो 0.4 टाइम्स ऑफ उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम है, तो क्रीप का इफेक्ट उतना देखने की जरूरत नहीं है, उतना इफेक्ट आएगा नहीं। पर अगर ये टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर जो है
कंपोनेंट का जो टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा आता है, तब आपको क्रीप का इफेक्ट देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो आप किसी T1 टेम्परेचर पे करा रहे हो, तो स्ट्रेन रेट आपको जो देखने को मिलेगा, ये मतलब ज़्यादा समय में आपको इतना स्ट्रेन देखने को मिला जितने में वो टूटेगा। पर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्रीप देखो यहीं पे टूट गया, कम टाइम में ही टूट गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और कम टाइम में ही क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है, क्रीप का इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होता जाता है। तो जैसे आपके गैस टर्बाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, जेट इंजन के जो ब्लेड्स होते हैं, उनमें भाई एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही हैं वो हाई टेम्परेचर पे हैं, तो वहां पे क्रीप का इफेक्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमें क्रीप का ध्यान रख के डिजाइनिंग करनी पड़ती है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, हार्डनेस क्या होता है, फिटीक क्या होता है, क्रीप क्या होता है, और उसको कैसे हम मेजर वगैरह करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, या इस ईमेल एड्रेस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।